नमस्कार दोस्तों, आइए इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंतजार भरा टॉपिक जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हुई, आधुनिक भारत का इतिहास। वास्तव में इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी परीक्षा में इतिहास के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रश्न इसी सेक्शन से आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम जल्दी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो दो दो वीडियो एक दिन में करेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, अच्छे से करेंगे बस। लेकिन थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा, जैसे जैसे वीडियो पढ़ते चले जाए फटाफट उनको देखते चले जाइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन से, स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आने का जो क्रम था मैं सिंपल सा आपको फार्मूला बना के बताया दे रहा हूं। पीडीएफ आप जानते हैं ना, तो पीडीएडीएफ, ठीक है ना, सिंपल सा होता है पीडीएफ, लेकिन आप इसको याद करिए पीडीएडीएफ। पी फॉर पुर्तगाली, डी फॉर डच, ए फॉर अंग्रेज, डी फॉर डेन और फिर ये फ्रांसीसी। डेन अक्सर नहीं पूछा जाता है तो पीडी ए एफ आप याद कर लीजिए जो भी है। तो ये वाला डी जो बाद में आया है ये डेन है और ये वाला डी डच है। और कंपनी स्थापना का क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने लगाई, उसके बाद में अंग्रेजों ने लगाई, फिर डचों ने लगाई, फिर डेन ने लगाई, फिर फ्रांसीसी ने लगाई। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग प्रश्न है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने 1498 में, अंग्रेजों ने 1600 में, डचों ने 1602 में, डेन ने 1616 में, फ्रांसीसियों ने 1664 में। इंपॉर्टेंट है पुर्तगालियों ने 1498 में, और दूसरा इंपॉर्टेंट है 1600 में अंग्रेजों ने, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो फ्रांसीसियों ने सबसे बाद में 1664 में। ये दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ यात्री जो हमारे यहां आए उनका देख लेते हैं, किस देश के थे, कब आए, ठीक है, और क्या कार्य किया। तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाली यात्री था, 1498 में भारत आया था। कोलंबस ये स्पेनी यात्री था, अमेरिका इसी ने खोजा था, महत्वपूर्ण कार्य इसका यह था कि इसने अमेरिका खोजा था। कैप्टन कुक ब्रिटेन का यात्री था, है ना, लगान में कैप्टन कुक था, तो वही वाला होगा, मतलब वो वाला नहीं होगा। तो कैप्टन कुक ये ब्रिटेन यात्री था, ऑस्ट्रेलिया इसने खोजा था, और तस्मान ये हॉलैंड यात्री था, और तस्मानिया और न्यूजीलैंड को इसने खोजा था, इसी के नाम पर तस्मानिया नाम ये रखा गया था, न्यूजीलैंड और तस्मानिया को इसी ने खोजा था। आगे हम बढ़ते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। लेकिन इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय तो अल्मीडा आप मारेंगे, अल्मीडा याद रखिएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, जिसने पुर्तगाली शक्ति को वास्तव में संस्थापित किया, तो ये अल्बुकर्क था। ये बहुत सही से याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंट है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कौन सा था, तो पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कोचीन का था, इंपॉर्टेंट है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया, तो पुर्तगालियों ने, अंग्रेज नहीं, पुर्तगालियों ने लूटपाट वाला कार्य ये पुर्तगालियों ने सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में हुगली को अपना अड्डा बनाकर किया था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, कलकत्ता का संस्थापक कौन था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेमस प्रश्न है, सबको पता होगा, जॉब चार्नक। भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, ठीक है, तो ये पुर्तगालियों ने नहीं किया था। आप सेकंड नंबर पे आ जाइए, डचों ने, तो संयुक्त पूंजी डच, बहुत सही से याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी, सूरत में, कंफ्यूज मत होइएगा, सूरत में हुई थी। कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने कराया था, डचों ने, पुर्तगालियों को पराजित किया था, उसी के उपलक्ष्य में ये हुआ था, ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय शासक कौन था, अकबर था, ठीक है, अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किस सन में हुई थी अभी बता चुके हैं, याद करिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। पुर्तगालियों को श्वाली में हराया था, श्वाली स्थान था वहां पे हराया था, किसने, थॉमस बेस्ट ने, तो पुर्तगालियों को थॉमस बेस्ट ने हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया, किससे लिया था, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे लिया था, पुर्तगालियों से। और सर जॉन चाइल्ड को भारत से निकाला औरंगजेब ने, औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निकाल दिया था, और ये कौन था, अंग्रेज गवर्नर था, है ना, औरंगजेब उस समय शासक था, असंतुष्ट हुआ होगा, निकाल दिया। फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना कहां संस्थापित हुआ, स्थापित कहां हुआ था, तो सूरत में। और देखिए यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में, तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भी और फ्रांसीसियों की भी, दोनों सूरत में। बंगाल का चिंसुरा कारखाना, तो चिंसुरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डचों सुमेलित करने में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ब्रिटिश काल में सर्वोत्तम सोरा व अफीम का क्षेत्र,
तो ये बिहार का था, बीपीएससी का प्रश्न है ये, मुझे याद है। और भारत में तंबाकू और मिर्च की खेती किसने प्रारंभ की थी? पुर्तगालियों ने। तो ये हो गया। इसमें एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, यूपीएससी 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें ये कहा था कि अंग्रेजों ने की थी, है ना, उसी में एक दिया था तोपखाने का निर्माण इसने कराया था, तो वो सारे स्टेटमेंट उसके गलत थे, इनमें से कोई नहीं सही था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है यूपीएससी में, कोई यूपीएससी के प्रश्न अपेक्षा की सरल होते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर ट्रिक हम लगाए, थोड़ा सा थिंकिंग के साथ करें तो वो सरल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत फैक्चुअल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, या पूछे जा सकते हैं। जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, सबको पता है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से और सिराजुद्दौला, इन दोनों के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला नवाब था, उनके मध्य हुआ था और अंग्रेज जीते थे, सिराजुद्दौला मिस्टर जो थे ये हार गए थे। और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का यहीं से प्रारंभ हुआ, ये ध्यान रखिएगा, अभी स्थापित नहीं हो पाया, प्रारंभ हुआ, और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक उसको कहा गया कि देखिए इसने क्या किया, ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ यहां से करा दिया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम, है ना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो मुंह और मीर कासिम, तो ये एम 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 हो जा रहा है, कुछ ऐसे हल्का फुल्का फार्मूला बना के याद कर लिया कीजिए, तो मुर्शिदाबाद मुंगेर मीर कासिम। ठीक है, बक्सर का युद्ध फिर देखिए कब हुआ, 1764 में, अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला व मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय के बीच में हुआ। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने इतनी लोगों की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया, सोचिए कितने शक्तिशाली हो गए थे। और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व अब देखिए वहां से स्टार्ट हुआ था और यहां क्या हो गया, बक्सर के युद्ध में स्थापित हो गया। प्रश्न यही पूछा जाता है कि स्थापित कब हो गया, तो ये 1764 के बक्सर के युद्ध में हुआ, और स्टार्ट कब हुआ, तो ये 1757 के प्लासी के युद्ध में हुआ। ये दोनों अंतर याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अंग्रेजों का कप्तान हेक्टर मुनरो था, किस युद्ध में, 1764 के बक्सर युद्ध में। संधि में अंग्रेजों की मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा इलाहाबाद व काड़ा प्रदेश इनको दे दिया गया, मुगल शाह अंग्रेजों को ये दोनों प्रदेश दे दिया गया, संधि में अंग्रेजों को इनके द्वारा, कौन था, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय कौन था, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये दे दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, ऐसे प्रश्न बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली 1765 में मुगल सम्राट के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी इसी के जरिए मिली। 1765 में सिलहट की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज किस जनजाति के संपर्क में सबसे पहले आए, ये प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले किसकी है, तो खासी जनजाति उसके संपर्क में सबसे पहले आए। आइए अब कुछ युद्ध देखते हैं, एक क्रम पूछा जाता है इन युद्धों का कि कौन सबसे पहले हुआ कौन उसके बाद हुआ, तो एक क्रम ऐसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले अंबर का युद्ध 1749 में, फिर मांडीवास का 1760 में, तीसरा ये देखिए, तीसरा यहां पे मैं आपको बताऊं, एक प्लासी का युद्ध 1757 दिया होता है और एक होता है बक्सर का युद्ध, तो अंबर बांडी वाश और फिर प्लासी और फिर बक्सर। अंबर के युद्ध में मुजफ्फर जंग चंदा साहब व फ्रांसीसी वर्सेस अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था, इतना डीप नहीं पूछता है। और बांडीवास युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था, ठीक है ना, और इसमें कौन जीतेगा, अंग्रेज जीते थे। और चिलिया वाला युद्ध ये अंग्रेज और सिख सेना के बीच में हुआ था। खुर्दा युद्ध ये निजाम वर्सेस मराठा यानी निजामों और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट युद्ध ये खत्म हो गए, दो युद्ध आप पढ़ ही चुके हैं, बक्सर और प्लासी का, 1757 का प्लासी और 1764 का बक्सर। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय राज पंजाब व मैसूर के बारे में जो भी जानकारी यहाँ पे दी है उसको डिस्कस करते हैं। रणजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, ये सुकर चकिया मिशल के थे, प्रश्न पूछा गया है, राजधानी इनकी कहाँ थी, लाहौर थी। शाह सुजा से कोहिनूर हीरा इन्होंने प्राप्त किया था, तो शाह सुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इनका कथन था, ये एक्चुअली इनकी एक आंख सही थी, एक आंख इनकी खराब थी, है ना, और इनकी एक आंख जो खराब थी, तो इनका कथन था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, और इसीलिए उसने दूसरी आंख मेरी ले ली। खैर, बहुत पॉजिटिव सोच है, ऐसी सोच रखनी चाहिए, अब भाई ये अपने हाथ में तो है नहीं, एक आंख खराब हो गई, तो इन्होंने कितना देखिए सकारात्मक सोच रखी। और इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, खडक सिंह, है ना, पॉजिटिव रहना चाहिए। एग्जामिनेशन हाल में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी अच्छे से सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ये नहीं कि परेशान हो गए, जो आता होगा वो भी गलत हो जाएगा, तो रणजीत सिंह की तरह सोचिए, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यानी कि ईश्वर की मर्जी है कि नहीं आ रहा है, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे,
ठीक है ना। खैर मेहनत करके तैयारी करिए, सब क्वेश्चन आए। आगे हम बढ़ते हैं हैदर अली के बारे में। तो ये सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में पोर्टो नोवो में सर आयरकूट द्वारा पराजित हो गया था। अगर ये पूछा जाए कि सर ये पोर्टो नोवो के युद्ध में, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था पोर्टो नोवो में, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध पे पूछा जाएगा तो ये सर आयरकूट द्वारा हैदर अली पराजित हुआ था। फिर टीपू सुल्तान की बात आती है, तो इनका पुत्र था ये। राजधानी श्रीरंगपट्टनम, विदेशों में दूतावास इसने स्थापित किए, तो विदेशी संबंध के मामले में जब भी बात होती है तो इसको याद किया जाता है। और 1780 में पोलिलूर में ब्रिटिश सेना को इसने हरा दिया था। और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो हुआ था उसमें ये अंग्रेजों से पराजित हुआ, और वहीं पे ये शायद ये मृत्यु हो गई थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, शायद मैं गलत नहीं हूं। और ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान का हो गया। फिर एक लास्ट फैक्ट आज के इस डिस्कशन का हम देख रहे हैं, बेगम समरू ने एक चर्च बनवाया था, तो कौन सा स्थान है जहां पे चर्च बनवाया था, तो सरधना में। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि सरधना में चर्च का निर्माण किसने कराया था, तो बेगम समरू ने। थोड़ा छोटा वीडियो है लेकिन ठीक है, आप जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। छोटा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आप एक ही बार में फट से इसको देख डालें, ये नहीं कि उसको डाउनलोड करके रखेंगे फिर देखेंगे सब छूट जाता है, तो प्लीज इसको फटाफट देखते रहिए। दूसरा वीडियो जल्दी जल्दी, जरूरत पड़ेगी तो दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमको इसको तैयार करना है हर हालत में। और आप लोग साथ दीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं, चिंता मत करिए। और मित्रों, एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है लेकिन आप पढ़ाई अपनी बढ़ाए रखिए, लेकिन घबराइए नहीं। ये नहीं कि रात में सो नहीं रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो क्वालिटी नहीं आएगी उसमें। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद दीजिए, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे। तो आप नींद लेते रहिए अच्छे से, खाने पीने पे ध्यान रखिए, एक सेब रोज सुबह खाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। बाहर निकलने का, इधर उधर दोस्तों से बात करने का, फोन पे बात करने का, ये सब टाइम कम कर दीजिए, फेसबुक पे चैटिंग को कम कर दीजिए, ज्यादा इधर उधर मत भटकिए। जो भी मैटर आप फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को लेके चलिए, सब हो जाएगा। बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा, और पसंद भी कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करने के लिए, लाइक्ड वाली, ठीक है ना, तो लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।